नमस्कार साथियों, आज मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे हम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, जिससे आप सीखते हो और आप शेयर करोगे तो आप कलीग और दोस्तों को भी शेयर करोगे तो वो भी सीखेंगे और उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और इससे आपको सीखने को मौका मिलेगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व टेक्निक की तरफ। तो प्रॉब्लम सॉल्व टेक्निक के लिए पहले हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या चीज़ है। प्रॉब्लम है दो चीज़ के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो प्रॉब्लम होती है। वो कैसे? जैसे कि मैं किसी प्रोडक्ट को ड्राइंग के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, किसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, नहीं बना, तो वो प्रॉब्लम है। नोटों के ओके नोटों के अकॉर्डिंग डिसीजन मिलेगा तो वो प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस बोलते हैं उसे। उस प्रॉब्लम को, जैसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग पीस नहीं बन रहा हमारा, ओवर साइज अंडर साइज बन रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एनालिसिस करने के लिए हम प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं। अब हम बात करेंगे किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे सीएनसी, वीएमसी, जीडीसी, ग्रेविटी डाईकास्टिंग या अदर कोई भी कंपनियां हैं। उस कंपनियों में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिजेक्शन बनते हैं, उन रिजेक्शन का कैसे एनालिसिस करें, कैसे इम्प्रूवमेंट करें, उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, हम पहला लेते हैं रेड बिन एनालिसिस। तो रेड बिन एनालिसिस क्या है कि जैसे कि किसी मशीन पर, पर्टिकुलर मशीन पर, कोई भी मशीन है, उस पर प्रोडक्ट रिजेक्ट बन गया, ओवर साइज या अंडर साइज या संदेहजनक प्रोडक्ट बन गया, पास है फेल है, उस प्रोडक्ट को हम उस मशीन पर न रखे एक रेडबिन एरिया बना देते हैं, उस जगह उस पे इसको रख देते हैं। उसको हम बाद में नेक्स्ट डे या एक टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि इतने बजे एक सीएफटी मीटिंग बैठेगी और उसको एनालिसिस करेगी, उस प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उसमें एक डिसीजन मेकर होता है, उस प्रोडक्ट का डिसीजन देगा, ओके नॉट ओके रिजेक्ट या जो भी डिसीजन देना है। तो आइए हम देखते हैं, तो उस प्रोडक्ट में, उस रेडबिन में किस टाइप के प्रोडक्ट होंगे। एक्सेप्ट अंडर डेविएशंस, कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो संदेहजनक थे वो ओके हो सकते हैं, बट उनको डेविएशन की ज़रूरत है, एक्सेप्ट है बट डेविएशन की ज़रूरत है। दूसरा होता है रिवर्क, जैसे कि कोई पार्ट्स बनाया हमने, ओवर साइज बन गया, डाया बनाना था 10 का और बन गया 10.5 का, तो उसको रिवर्क करके हम सही कर सकते हैं, तो वो हमारा रिवर्क एरिया में जाएगा। तीसरा होता है स्क्रैप, जैसे कि जो हमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग पार्ट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग न बन के वो रिजेक्ट बन गया, वो ओके हो ही नहीं सकता, तो वो रिजेक्ट एरिया में जाएगा और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा होता है, चौथा होता है हमारा अल्टरनेट्स यूज़। हम किसी पार्ट्स का अल्टरनेट यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो हम अपने प्लांट में देख सकते हैं उसका क्या यूज है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक दूध वाला है, दूध लेके जा रहा था बेचने के लिए रास्ते में, उसका दूध गया फट, दूध फट गया। अब वो दूध मार्केट में बेचेगा तो बेच नहीं सकता, उसने क्या काम किया, उस दूध का पनीर बनाया उसने, पनीर बना के और मार्केट में सेल कर दिया, तो उसके जो पैसे बच गए और दूध से कीमत थी वो भी भरपाई हो गई। तो जैसे भी अपने प्लांट में आप सोच सकते हो इस प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो आप अपने अपने प्लांटों में देख सकते हो कि इसका अल्टरनेट यूज़ क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोबारा यूज करते हैं रेड बिन एनालिसिस, हम क्या कर देखते हैं, हम एक्सेप्ट अंडर डेविएशंस, पार्ट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट अंडर डेविएशंस देते हैं, रिवर्क एरिया रिवर्क करते हैं, और जो स्क्रैप होता है वो स्क्रैप यार्ड में पहुंचा देते हैं, और जो अल्टरनेट्स यूज होते हैं उनको कहीं यूज कर सकते हैं, उस पार्ट्स का हम अल्टरन यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसके जो पार्ट्स बनते हैं उनका एनालिसिस रेडबिन एनालिसिस से करते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे वो आइए जरा समझते हैं। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के द्वारा हम करेंगे। अब हमने तो जो क्या किया, जो प्रोडक्ट थे उनको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा किया,
अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, इसको रोकेंगे कैसे, ये प्रोडक्ट रिजेक्ट बने ही ना, रेडबन तक पहुंचे ही ना, उसके लिए भी हम कुछ करेंगे। उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल का एनालिसिस का यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम टूल में हमारा पहला होता है 7QC टूल्स, जो आजकल सभी कंपनियां यूज करती हैं 7QC टूल्स। 7QC टूल्स में 7 स्टेप होते हैं, 7 टूल होते हैं, उनका यूज करते हैं। पहला होता है चेकशीट। चेकशीट में हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं। तो वो डाटा कलेक्शन करने के लिए हमारी चेकशीट होती है। पैरेटो डायग्राम, पैरेटो डायग्राम हमारा होता है 80-20 रूल्स, यानी कि जो हमारे काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसमें से हम टॉप 10 या टॉप 2 डिफेक्ट्स आएँ या टॉप 1 डिफेक्ट आएँ उनको एनालिसिस करेंगे। जो 20% को हम एनालिसिस करेंगे तो हम पैरेटो से एनालिसिस करते हैं। फिर होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से हम SPC के अंदर देखते हैं या इसको वैसे भी यूज करते हैं। तो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है, ये प्रॉब्लम कितने बार आई, यानी कि कोई ब्लो होल कितने बार आया, पीस ओवरसाइज कितने बार आया, अंडर साइज कितने बार आया, किस मशीन पर कितने बार आया, तो हम फ्रिक्वेंटली इसको एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों मैंने 7QC टूल पर भी वीडियो बना रखा है, आप मेरे गैलरी यूट्यूब गैलरी बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चौथा टूल होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसके अंतर्गत हम मैन मशीन मटेरियल मेथड्स इस पर एनालिसिस करते हैं। मशीन की प्रॉब्लम थी, मैन की प्रॉब्लम थी, या मटेरियल की प्रॉब्लम थी, या फिर हमारा कोई मेथड में कोई प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम बना, जो हमारा पीस रेड बन तक गया, तो उसको रोकने के लिए हम मैन मशीन मटेरियल मेथड का यूज़ करते हैं। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मैन मशीन मटेरियल मेथड का यूज़ करते हैं। पाँचवा होता है कंट्रोल चार्ट। हम कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हैं लाइन पर, जैसे कि हमारी कोई CNC मशीन है, ओवरसाइज अंडरसाइज पार्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम वहाँ पर कंट्रोल चार्ट लगा दें, तो वहाँ इंस्पेक्टर चेक करेगा, देखेगा हमारा पीस ओवरसाइज जा रहा है या अंडरसाइज जा रहा है, तो उस ऑफसेट देके मशीन को सेंटर में ले आएगा और प्रोडक्ट हमारे ओके बनेंगे। तो कंट्रोल चार्ट से हमारे विजुअली ग्राफिकल टूल है, जिसमें विजुअली दिखता रहता है हमारा जो हमारा ट्रेंड है कहाँ चल रहा है। छठा होता है स्टेटिफिकेशंस। स्टेटिफिकेशंस हमारा हम एनालिसिस करते हैं शिफ्ट वाइज, ऑपरेटर वाइज, मशीन वाइज, ये स्टेटिफिकेशंस होता है। और होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के अंतर्गत हम देखते हैं कोरिलेशंस, क्या कोरिलेशंस हैं। तो ये हमारे 7QC के टूल थे, और कोई प्रोसेस फ्लो को भी यूज़ करता है, तो ये अपने अपने प्लांट के यूज़ की बात है। तो आइए दोस्तों, ये तो हमने देखा 7QC टूल्स। अब दूसरा टूल होता है क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल जो है हमारा, इसके अंतर्गत हम एक टीम बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्वालिटी सर्किल ले लेते हैं और उसके अंतर्गत प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है उस पर पूरा फोकस रहता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम टीम को बनाते हैं। इसके एक टीम मेंबर होता है, एक इसका फैसिलिटेटर होता है, और इसके अंदर जो कार्य करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो टीम होती है, इसको पूरा एनालिसिस करते हैं। AD, और जैसे कि AD हर कंपनियों में यूज किया जाता है, कहीं AD कहीं अपने अपने नाम से जाना जाता है, तो AD का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनालिसिस करते हैं। जो 8 स्टेप होते हैं वो हम AD के थ्रू यूज करते हैं। कापा, जैसे कि मशीन पर जो रिजेक्शन बन रहा है, तो हम ऑपरेटर के साथ, सुपरवाइजर के साथ, या अपनी बैठ के टीम CFT टीम बना के हम डेली कापा कर सकते हैं, मंथली कापा कर सकते हैं, वीकली कापा कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस पर क्या एक्शन लें, इससे कि वो प्रॉब्लम ना आए, हमारे रेड बिन तक वो पीस ना पहुँचे, तो हम इसलिए कापा करते हैं। इसमें करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन हम लेते हैं। 6 सिग्मा, इसको भी हम प्रॉब्लम सॉल्व के टूल के लिए यूज करते हैं। दोस्तों ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जैसे टाइम मिलता है तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों ओके, थैंक यू वेरी मच, जय।